गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। आज है 25 जुलाई, तो डिस्कस करेंगे 25 जुलाई के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखते हैं और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, जिसकी वजह से मेरे चैनल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और आपने मेरा साथ दिया है और आपको मेरे ऊपर भरोसा है। इस बात को जताने के लिए, इस बात को बताने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मॉर्निंग का थॉट देखते हैं कि आज कौन से महापुरुष हैं जिसके बारे में, जिनके वक्तव्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आचार्य कौटिल्य जी या आचार्य चाणक्य जी, इनके इनका जो वक्तव्य है, इनके जो कथन है, वो आज के समय में भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। उनका कहना था कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके पास गरीबी कभी नहीं आ सकती, यानी कि मेहनत ही वो चाबी है जो आपके गरीबी को खत्म करेगी। अगर आप धर्म करते हैं तो आपसे पाप नहीं हो सकता, यानी कि आप धर्म के रास्ते पर अगर चलते हैं तो आपसे पाप कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे। और अगर आप चुप रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे कलह को दूर कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मनमुटाव को, बहुत सारे ऐसे झगड़े को दूर कर सकते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। तो आइए हम आचार्य चाणक्य जी को, आचार्य कौटिल्य जी को याद करते हैं और इसके साथ में ही अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, तो पहली बात होगी 25 जुलाई के डे के बारे में। तो 25 जुलाई को सबसे पहले जो डे लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, वो है वर्ल्ड एम्ब्रायोलॉजिस्ट डे, या जिसको हम विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस कहते हैं। इसको समझने के लिए बस आपको ये समझना है कि 1978 में पहली बार IVF के माध्यम से पहले बच्चे का जन्म हुआ था 25 जुलाई को। तो उस दिन की याद में ही हम 25 जुलाई को विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस मनाते हैं। तो आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि वर्ल्ड एम्ब्रायोलॉजिस्ट डे हम क्यों मनाते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस, यानी कि वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे के बारे में, जो हर साल 25 जुलाई को मनाते हैं और इस बार भी 25 जुलाई को ही मनाया जाता है। अच्छा, जो WHO है वो कहता है कि हैशटैग ड्राउनिंग प्रिवेंशन का इस्तेमाल करिए। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसके माध्यम से ही वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे को सेलिब्रेट करिए। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो ये इसलिए मनाया जाता है ताकि बाढ़ की वजह से या पानी की वजह से, पानी में डूबने की वजह से जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, एक तो उनकी याद में, और दूसरी चीज लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि अगर आपके आसपास कहीं पर भी नदियां हैं, तालाब हैं, या बीच पर आप जाते हैं, या बाढ़ की स्थिति है, तो उससे किस तरीके से आप बच सकते हैं। तो इन बातों को याद करते हुए विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस या वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं केरल हाई कोर्ट के बारे में। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने ये न्यूज कवर करी थी कि केरल के जो चीफ जस्टिस थे उनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट दे दी गई थी, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह से केरल में जो केरल का जो हाई कोर्ट है उसमें चीफ जस्टिस की पोस्ट खाली थी, तो अब केरल हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस हैं आशीष जितेंद्र देसाई, जो क्या होंगे? केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। अच्छा, वो किसकी जगह लेंगे? तो ये जगह ले रहे हैं न्यायाधीश SP भट्ट की। तो हमने कुछ दिन पहले न्यूज में ये बात बताई थी आपको कवर करते हुए कि जो SP भट्ट हैं उनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया है एज अ जस्टिस। ओके, क्लियर। तो हमने बात कर ली यहाँ पर किसके बारे में? आशीष जितेंद्र देसाई जी के बारे में, जिनको 19 जुलाई 2023 को अपॉइंटमेंट दिया गया है, और साथ में इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जा रही है? तो आप देख सकते हैं केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। केरल के बारे में बात करेंगे तो देखो केरल का स्टेट कहाँ पर है। सबसे पहले दक्षिणी भारत को आप देखोगे, दक्षिणी भारत का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर आपको केरल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अरब सागर है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, ये सारे इसके बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है केरल की? तो तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पर आधिकारिक रूप से मलयालम बोली जाती है, लेकिन अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग अच्छे तरीके से किया जाता है। मोहिनी अट्टम यहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है
है ना। और यहाँ पर ओडम विशु और त्रिशूर, ओडम विशु और त्रिशूर जैसे यहाँ पर आपको फेस्टिवल देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जैसे मुन्नार है, वायनाड है, ये सारे हिल स्टेशन है जहाँ पर घूमने के लिए हम जाते हैं। केरल की सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। और जो महिलाओं की जो संख्या है, लड़कियों की जो संख्या है, महिलाओं की जो संख्या है, वो भी सबसे ज्यादा आपको यहीं पर मिलेगी। लगभग 1,000 पुरुषों पर 1,054 महिलाएं हैं। तो आप देख सकते हैं जो केरल की स्थिति है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, तेलंगाना जो हाई कोर्ट है उसके भी चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर दिया गया था, तो यहाँ की भी पोस्ट खाली थी। तो जो जस्टिस आलोक अराधे हैं, कौन है? आलोक अराधे हैं, जस्टिस हैं। इनको जो है तेलंगाना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस बात को याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ के जो न्यायमूर्ति थे जिनका नाम था उज्जवल भुइया, तो उज्जवल भुइया को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट दे दी गई थी। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अच्छा, देखिए, जो आलोक आराधे जी हैं इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी? तो तेलंगाना की जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन, इनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं नोएडा अथॉरिटी के बारे में। नोएडा अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं लोकेश एम। ठीक है, तो लोकेश एम को नियुक्त किया गया था और इन्होंने अब अपना जो कार्यभार है वो संभाल लिया है और ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ ये आपको दिख रहा होगा कि एक ये हिल है, ठीक है, एक हिल स्टेशन है। तो ये जो हिल स्टेशन है ये भारत का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन है। इसका नाम क्या है? तो लवासा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि भारत का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन कौन सा है। तो इसका नाम है लवासा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो पुणे का जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न पार्ट है, वहां पर आपको ये हिल देखने को मिल जाएगा। तो खबर जो है इसी के बारे में है। न्यूज़ ये है कि ये जो प्राइवेट हिल स्टेशन है जिसका नाम लवासा है, इसको बेच दिया गया है 1.8 हजार करोड़ रुपए में। किसे बेचा गया है? तो डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बेच दिया गया है। बेचा इसलिए गया है ताकि यहाँ का डेवलपमेंट किया जा सके डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा। और इसको मंजूरी दे दी गई है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से इसको मंजूरी दे दी गई है। क्लियर? आई होप कि आपने बात को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और आप देख सकते हैं कि जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि एक पुल का भी निर्माण किया गया है। तो जो डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके द्वारा इस पुल का डेवलपमेंट भी किया जाएगा और साथ में ही जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके घर का और उनके लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको भी फुलफिल करने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो हमने बात कर ली भारत का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन लवासा के बारे में, जिसको बेच दिया गया है 1.8 हजार करोड़ रुपए में डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को। ओके, देखिए, लवासा हिल स्टेशन के बारे में जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पश्चिमी घाट पर आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। तो वहां पर जो पुणे है, पुणे में एक घाटी है जिसका नाम है मुलसी घाटी। क्या नाम है? मुलसी घाटी। तो इस मुलसी घाटी में ही आपको लवासा हिल स्टेशन देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना सन 2000 में करी गई थी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा, जो यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा सन 2000 में इसको भारत का पहला निजी पहाड़ी शहर बनाया गया था, है ना। और लगभग 25,000 एकड़ में ये फैला हुआ है, 25,000 एकड़ में फैला हुआ है। और आप इसकी लोकेशन देखकर ही समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाला या मन को शांत करने वाला वातावरण क्रिएट करने वाली ये जगह है। ठीक है, तो हमने बात कर ली लवासा हिल स्टेशन के बारे में। देखिए, डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो इसके चेयरमैन कौन है? तो अजय हरिनाथ सिंह डार्विन ग्रुप के चेयरमैन हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये स्पेशली ऐसी कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड पर काम करती है, उसको मजबूत करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करती है। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं।
अपने देश के विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली के बारे में कौन नहीं जानता है, विराट कोहली क्रिकेट से रिलेट करते हैं और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, उस रिकॉर्ड के बारे में हम बात करेंगे। रिकॉर्ड क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच चल रहा है, कहाँ पर, पोर्ट ऑफ स्पेन में। कहाँ पर, पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच चल रहा है, जिसके लिए भारतीय टीम वहां पर गई हुई है। तो जब इस टेस्ट मैच का दूसरा दिन था, तो उस समय विराट कोहली ने एक रिकॉर्ड बनाया। पहला रिकॉर्ड ये है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने 500 मैच खेल लिए हैं, ठीक है। इनका 76 नंबर का शतक लगा और इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में 29 शतक लगाने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। और इस तरीके के किसी टेस्ट जो मैच होते हैं उसमें 29 शतक लगाने वाले जो ये खिलाड़ी बन गए हैं, तो इन्होंने किसके रिकॉर्ड की बराबरी करी है, तो इन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन का जो रिकॉर्ड है, जिन्होंने 29 शतक लगाए थे, सेंचुरीज लगाई थी टेस्ट क्रिकेट में, उसकी बराबरी कर ली गई है किसके द्वारा, विराट कोहली के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मैच इन्होंने 500 खेल लिए हैं, 76 नंबर का इनका शतक लगा है और टेस्ट क्रिकेट में इनका 29 नंबर का शतक लगा है। और ये सेंचुरी बनाने की वजह से ये सर डॉन जो ब्रैडमैन है उनके रिकॉर्ड की बराबरी विराट कोहली के द्वारा कर ली गई है। क्लियर, हमने बात कर ली 500 इंटरनेशनल मैच खेला है किसने, विराट कोहली ने। आइए बात करेंगे पीएफआरडीए के बारे में। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म क्या है, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्पेशली भारत में जो राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं हैं या पेंशन से रिलेटेड जो काम है, वो पीएफआरडीए के द्वारा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। तो इसने मंजूरी दी है, किस चीज की मंजूरी दी है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसने मंजूरी दी है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की, किसकी, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की मंजूरी दे दी गई है पीएफआरडीए के बारे में। इसका मतलब ये है कि पर्यावरण से रिलेटेड जो परियोजनाएं हैं उसके लिए फंडिंग करने का काम किया जाएगा सरकार के द्वारा, जो स्पेशली पर्यावरण के डेवलपमेंट के लिए, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियली जो भी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उसके लिए फाइनेंशियली हेल्प करने का काम किया जाएगा पीएफआरडीए के द्वारा। ओके, तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा अच्छे से बात। और आप ये भी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है इस टाइम पर हरित ऊर्जा से रिलेटेड या हरित जो पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव काम कर रही है, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लेकर आई है ना, तो उसके लिए फंडिंग करने का काम किया जाएगा पीएफआरडीए के द्वारा, जो एक स्कीम स्टार्ट की गई है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के जरिए, ठीक है। अच्छा, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जलवायु से संबंधित जो प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, यानी क्लाइमेट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, पर्यावरण से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, उनके लिए फाइनेंशियली हेल्प करने का या पूंजी को इकट्ठा करने का काम करे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए के बारे में, जिसकी स्थापना करी गई थी 2003 में। हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हमारा जो वित्त मंत्रालय है, उसके तहत इसकी स्थापना करी गई थी। और इसका जो मेन मोटिव है क्या है, मेन मोटिव ये है कि जो भी पेंशन योजनाएं चल रही हैं उसको सही से लागू करवाया जाए, है ना। और साथ में ही इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो इसके अध्यक्ष हैं दीपक मोहंती। ओके, तो आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा पीएफआरडीए को, जिसको जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है, 2003 में जिसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इस समय इसके चेयरमैन कौन है, तो दीपक मोहंती इसके चेयरमैन हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, हमारे देश के जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, तो वो है अनुराग ठाकुर। कौन है, अनुराग ठाकुर है हमारे देश के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, और साथ में ये खेल मंत्री भी हैं अनुराग ठाकुर, जैसा कि आप सबको अच्छे से पता होगा। तो इनके द्वारा राज्यसभा में एक बिल पेश किया गया है, ठीक है ना, एक विधेयक पेश किया गया है, उसका नाम क्या है, तो उस विधेयक का नाम है सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023। क्या नाम है, सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023। इसको पेश किया गया है हमारे देश के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा राज्यसभा में। और ये क्या है, तो ये स्पेशली फिल्म पायरेसी से निपटने के लिए ये विधेयक पेश किया गया है।
अब क्वेश्चन ये आता है कि फिल्म पायरेसी क्या है। तो स्पेशली देखो, पायरेसी का मतलब ये है, फिल्म पायरेसी का मतलब ये है कि क्या होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में कभी कोई फिल्म चोरी हो जाती है या उसका कोई गलत तरीके से उसका वितरण कर देता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ना, उसको फिल्म का प्रदर्शन कर देता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ही ये विधेयक लाया गया है, जिसका नाम है सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023। अच्छा, साथ में इस बात का, इस विधेयक को पेश करते हुए अनुराग ठाकुर जी ने यह भी बताया कि 2019 में पायरेसी के कारण ही जो फिल्म उद्योग है उसको लगभग 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, क्योंकि फिल्म की नकल कर ली गई या फिर फिल्म का वितरण कर लिया गया गैर कानूनी तरीके से। तो इससे जो फिल्म को होने वाली आय थी या फिल्म इंडस्ट्री को जो होने वाली आय थी उसमें कमी देखने को मिली है। इसीलिए सिनेमेटोग्राफ बिल 1952 में संशोधन करके इस विधेयक को लेकर आया गया है। तो आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इस बात को समझ लिया होगा कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 क्या है और ये क्यों लेकर आया गया है। अच्छा देखो, इस विधेयक में, यानी जब ये विधेयक अगर पास हो गया तो अगर कोई पायरेसी के केस में पकड़ा जाता है तो उसको 3 साल की कैद हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है। 3 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी दिया, जुर्माना 10 लाख रुपए तक का जुर्माना शामिल है इसमें। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो हमने बात कर ली कि जो सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक है उसके तहत क्या क्या काम किया जाएगा या कौन कौन से संशोधन किए गए हैं। इसके अलावा मूवी को रेटिंग भी दी गई है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है, वर्गीकृत भी किया जाएगा, जिससे कि समझा जा सके कि कौन सी मूवी किसको दिखानी है। ओके, भारतीय सिनेमेटोग्राफ विधेयक 1952 के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1983 में, ठीक है, जब ये विधेयक लाया गया था तो इस विधेयक के तहत क्या किया गया था कि अलग अलग शहरों में सेंसर बोर्ड की स्थापना की गई थी। और वो सेंसर बोर्ड क्या काम करेगी, सेंसर बोर्ड ये काम करेगी कि किसी भी मूवी को पहले देखेगी और उसके बाद ये डिसाइड करेगी कि ये सिनेमा घर में लगना है या नहीं लगना है। लेकिन बाद में इस 1952 वाले विधेयक में संशोधन किया गया 1983 में, और 1983 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। क्या रख दिया गया, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, यानी कि पूरे भारत के लिए एक सेंट्रल फिल्म प्रमाणन बोर्ड होगी, यानी किसी भी मूवी को सर्टिफिकेट देगी, सेंसर बोर्ड की तरह काम करेगी। और जो भी अगर कुछ कुछ भी कंटेंट में कुछ भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो उसको हटाने की भी जिम्मेदारी इस सेंसर बोर्ड की होगी, है ना। तो बाद में, मतलब कि पहले हर एक शहर में सेंसर बोर्ड स्थापित किया गया, बाद में उसको सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया, यानी कि सिर्फ एक सेंसर बोर्ड रखा जाएगा और उसी के तहत जो मूवी होगी उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 1982 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड कर दिया गया। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान के बारे में। तो देखो, भारतीय जो मौसम विज्ञान विभाग है उसने पूरे देश के लिए एक ताप सूचकांक पेश किया है। पूरे देश के लिए, भारत में अलग अलग जगहों पर आप जानते हैं कि एक ही समय में अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो इस टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे देश का जो हमारे देश का मौसम विभाग है उसने क्या करा है, एक हीट इंडेक्स दिया है अलग अलग रीजन के लिए, और उसमें कुछ क्राइटेरिया दे दिया है जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपका जो क्षेत्र है उसमें टेम्परेचर किस तरीके से काम कर रहा है, कितना टेम्परेचर है और उससे आप कैसे बच सकते हैं, ये आप अपना एक माइंड मेकअप कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर ही मौसम विभाग के द्वारा ऐसा किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब करी गई थी, 1875 में करी गई थी, 15 जनवरी को। 1875 में 15 जनवरी को इसकी स्थापना करी गई थी, और इस समय भारत सरकार का जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके तहत ये काम करता है, यानी भारत का जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके तहत ये काम करता है। पूरे भारत में मौसम कैसा है, भूकंप कहाँ पर आएगा, किस तरीके की प्राकृतिक घटनाएं होंगी, इन सब के बारे में ये डिपार्टमेंट बताता है। और साथ में ही मौसम भवन नाम से इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है ये हेडक्वार्टर, तो आपको नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ओके, अच्छा, हीट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो हीट इंडेक्स के बारे में देखो, जैसा कि अलग अलग कलर दिया गया है और अलग अलग कलर के हिसाब से उसका टेम्परेचर डिसाइड किया गया है अलग अलग जगहों के लिए।
तो हीट इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो इसमें कलर कोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और इसमें ग्रीन कलर आपको प्रेजेंट क्या करेगा, बिलो 35 डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर होगा उसको प्रेजेंट किया जाएगा ग्रीन कलर से। येलो कलर 36 टू 45 डिग्री सेल्सियस को प्रेजेंट करेगा, ऑरेंज जो है 46 से 55 डिग्री सेल्सियस को प्रेजेंट करेगा और रेड जो है एक्सट्रीम हीट इंडेक्स है और ये प्रेजेंट करेगा 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर को। तो आई होप कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा हीट इंडेक्स जो दिया गया है भारतीय मौसम विज्ञान के तहत और वो क्यों दिया गया है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये भी आपने अच्छे से समझ लिया हो। देखिए हीट इंडेक्स से अगर हम समझना चाहते हैं तो हीट इंडेक्स से हमें ये फायदा है, आम जनता को ये फायदा है कि हीट इंडेक्स के माध्यम से वो अपने टेम्परेचर का पता करके उस टेम्परेचर की वजह से उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उस समस्या से वो कैसे निकल सकते हैं, इन सब के बारे में बताया जा सकता है। और जो ह्यूमिडिटी है उसका प्रभाव किस तरीके से हायर टेम्परेचर पर पड़ता है, इन सब के बारे में हमें हीट इंडेक्स से पता चल सकता है। ओके, देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, एक संस्था है जिसका नाम है DGFT यानी कि विदेश व्यापार महानिदेशालय। ये विदेश व्यापार महानिदेशालय ये जो संस्था है ये स्पेशली हमारे देश का जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसके तहत एक एजेंसी के रूप में काम करती है और इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। तो ये स्पेशली हमारे देश का जो विदेशी व्यापार है उससे संबंधित कानूनों की देख रेख करने का काम करती है ना। तो जो भी व्यापार होता है उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बनानी है और जो भी कानून रखने हैं और हटाने हैं उन सब के बारे में जो जानकारी है वो विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा देखा जाता है। तो इसके ही रिकमेंडेशन पर भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया है। डिसीजन क्या है कि इंडिया हैज बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस, यानी कि जो वाइट राइस है, नॉन बासमती वाइट राइस है, उसका अब एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, उसको निर्यात नहीं किया जाएगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो चावल की घरेलू कीमतें थी वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी और इस घरेलू कीमतों की बढ़ने की वजह से लोग परेशान हो रहे थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है भारत सरकार के द्वारा। और इसके पीछे का रीजन ये बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे एरिया हैं चावल के जहां पर चावल होते हैं वहां पर हद से ज्यादा बारिश हुई और जहां पर चावल पैदा किए जाते हैं कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहां पर बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया है। भारतीय सरकार की जो एक संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत काम करती है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उसके तहत ये डिसीजन लिया गया है। तो आई होप कि आपने ये पूरा जो मामला है वो अच्छे से समझ लिया होगा। तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ में, नई खबरों के साथ में और नए विचारों के साथ में। तब तक आपने जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए और इसके साथ साथ में खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए और जीवन में तरक्की करने के लिए मेहनत करते रहिए। चलिए टेक केयर, बाय बाय।